तो उद्घाटन करने की तस्वीर जो है आपको भूपेश बघेल नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ को आज दो राज्यों की सौगात मिलने वाली है। तो फिलहाल आपको बता दें सीएम ने उद्घाटन किया है, स्पीकर डॉक्टर महंत समेत कई नेता इस समय मौजूद है। आपको बता दें छत्तीसगढ़ का 32वां जिला जो है वो मनेन्द्रगढ़ अब बन चुका है। तो छत्तीसगढ़ का आज से राजनीतिक और प्रशासनिक मानचित्र जो है पूरी तरीके से बदला हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि भूपेश बघेल ने दो नवगठित जिलों का आज औपचारिक उद्घाटन किया है। हम तस्वीर भी आपको लगातार सीधी तस्वीरें मनेन्द्रगढ़ से ही दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि मनेन्द्रगढ़ इस वक्त पहुंच चुके हैं, उद्घाटन यहां पर चला है और भारी जनसंख्या इस वक्त जनसमूह वहां मौजूद है। आपको बता दें कि प्रदेश में 32वें जिले के रूप में मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर का उद्घाटन किया गया है। चिरमिरी भरतपुर का उद्घाटन कलेक्टर भवन में कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया गया है। तस्वीरें हम मंच की आपको दिखा रहे हैं जहां पर खुद इस वक्त सीएम भूपेश मौजूद हैं। आपको बता दें कि आज छत्तीसगढ़ का 32वां जिला बना है मनेन्द्रगढ़, और इसी को लेकर पूरा जो राजनीतिक मानचित्र है और प्रशासनिक मानचित्र है वह छत्तीसगढ़ का पूरी तरीके से बदल जाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि नए जिलों का शुभारंभ करने से पहले कलेक्टर जो है भूपेश बघेल ने मनेन्द्रगढ़ में रोड शो भी किया था, जगह जगह पर उनका स्वागत हुआ था और ये भी कहा जा रहा है कि उनको औषधियों से और छत्तीसगढ़ी व्यंजनों से तोला भी गया था। अब इसके बाद अनुरोध है छत्तीसगढ़ राज्य के 32वां नवगठित जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के शुभारंभ के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानीय अतिथियों से अनुरोध करूंगा। और इसके बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के मानचित्र का विमोचन अपने कर कमलों से करने का कष्ट करेंगे। और आज ऐतिहासिक अवसर है जब छत्तीसगढ़ का भूगोल भी एक नया, उसमें नया आयाम छत्तीसगढ़ का 32वां जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के रूप में जोड़ने जा रहा है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कृपया अपने करकमलों से केक काटने की कार्रवाई करने का कष्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य का 32वां जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर आज से अस्तित्व में आ रहा है और केक काटने के लिए मैं बहुत ही
विनम्रता के साथ आपसे अनुरोध करूंगा, कृपया अपने करकमलों से केक काटने की कार्रवाई संपन्न करने का कष्ट करें। स्वागत हमारी परंपरा है, संस्कृति है, तहजीब है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए सबसे पहले श्री कुलदीप शर्मा जी कलेक्टर कोरिया से अनुरोध करूंगा कि पुष्पगुच्छ से माननीय मुख्यमंत्री जी जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी का स्वागत श्री आदरणीय श्री कुलदीप शर्मा जी कलेक्टर कोरिया। इसी क्रम में मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगा आदरणीय श्री अजय कुमार यादव जी पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज, आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। स्वागत के इसी क्रम में श्री त्रिलोक बंसल जी पुलिस अधीक्षक कोरिया, श्री पीएस ध्रुव कलेक्टर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, श्री टी आर कोशिमा जी पुलिस अधीक्षक मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए हमारे बीच में डॉक्टर चरणदास महन जी माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा उपस्थित हैं। मैं श्री कुलदीप शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि आप डॉक्टर चरणदास महन जी का स्वागत करें। इसी क्रम में मैं त्रिलोक बंसल साहब से अनुरोध करूंगा स्वागत के लिए। इसी क्रम में प्रभारी मंत्री जी के स्वागत के लिए मैं कुलदीप शर्मा साहब से और त्रिलोक बंसल साहब से अनुरोध करूंगा। हमारे बीच में श्री शिव कुमार डहरिया जी माननीय मंत्री नगरी प्रशासन उपस्थित हैं। कुलदीप शर्मा साहब और त्रिलोक बंसल साहब से भी आपके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगा। सांसद महोदया के स्वागत के लिए भी मैं कलेक्टर साहब और एसपी साहब से अनुरोध करूंगा। सीओ जिला पंचायत श्री कुणाल दुदावा साहब से अनुरोध है। डॉक्टर के सिंह विधायक मरवाही, उनका स्वागत। तकरीबन की बात करें जाए तो शक्ति के लिए सीएम जो है वो रवाना होंगे। श्रीमती अंबिका सिंह देव, इधर शक्ति में भी आपको बता दें कि भव्य कार्यक्रम का आज उद्घाटन किया जाना है। तो यहाँ पर भी आपको बता दें कि लगभग 2:40 से लेकर 4:30 तक शक्ति में भी तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। तो फिलहाल दो तस्वीरें, ये तस्वीरें आज छत्तीसगढ़ के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि छत्तीसगढ़ में, देखिए मैं आपको जिक्र कर ही नहीं थी ना, जिस तरीके से एक छत्तीसगढ़ में चांदी का मुकुट, और उनको बता दें कि जो छत्तीसगढ़ की जो वेशभूषा होती है उससे उनका सम्मान किया गया, उनका स्वागत किया गया है, उनको मुकुट भी पहनाया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए, नव जो गठित जिले हुए हैं उनका जो कलेक्टर सभागार है उसका भी उद्घाटन किया गया है। पुलिस अधीक्षक जो कार्यालय बनाया गया उसका भी मंत्रोच्चार के साथ उनका स्वागत किया गया है, उसका उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं तीनों ही विधायक माननीय श्री गुलाब कमरो जी, डॉक्टर विनय जायसवाल जी, श्रीमती अंबिका सिंह देव जी से अनुरोध करूंगा कि वो महामाला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और पारंपरिक रूप से भी स्वागत करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा। और मैं अब श्री पीएस ध्रुव कलेक्टर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। आज नवगठित जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के शुभारंभ के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी का हार्दिक तरीके से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ का मानचित्र जो है पूरी तरीके से आपको बदला हुआ नजर आएगा। अब छत्तीसगढ़ में दो और जिले जो है वो शुमार कर लिए गए हैं, मनेन्द्रगढ़ और चिरमिरी भरतपुर जिले का शुभारंभ, यानी कि न सिर्फ आपको बता दें कि प्रशासनिक रूप से भी आपको अलग नजर आएगा। ये देखिए तस्वीर जो है, जो मानचित्र है, अब छत्तीसगढ़ का पूरी तरीके से बदला हुआ नजर आएगा। इसके अलावा हम आपको बता दें कि मनेन्द्रगढ़ की बात करी जाए तो 200 करोड़ से अधिक का काम होगा, लोकार्पण होगा, इसका आज शिलान्यास किया जाना है। सीएम खुद इसका शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के लिए 273 लाख रुपए राशि के 15 कार्यों का भूमि पूजन किया जाना है, लोकार्पण आज होगा। इसके अलावा आपको बता दें 187 करोड़ के 4,66,000 के 9 कार्यों का भूमि पूजन किया जाना है, 13 करोड़
68,57,000 के 6 कार्यों का लोकार्पण होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसके बाद सकती के लिए सीएम रवाना होंगे, जहां पर 153 करोड़ के रुपए का काम उनको सौगात दी जाएगी। मुख्यमंत्री आपको बता दें कि सकती के शासकीय क्रांति कुमार भारती महाविद्यालय परिसर में जनसभा को आज संबोधित भी करेंगे। इस दौरान 153 करोड़ की 6 लाख रुपए की 309 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा, उसका भूमि पूजन किया जाएगा। इसमें 85 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 296 कार्यों का भूमि पूजन होगा। और सबसे अहम बात आपको बता दूं, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि कोरिया से अलग होकर ही मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर बना है। तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि इसकी सीमाएं जो है उत्तर में मध्य प्रदेश के सीधी जिले के कुर्मी तहसील, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिला, दक्षिण में कोरबी जिले की पौड़ी, उपरोड़ा, सूरजपुर की रामानुजर तहसील में जाएगी। यानी कि ये जो जिले बनाए गए हैं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण जिले हैं। तो अब छत्तीसगढ़ का जो मानचित्र है अलग तरीके से आपको नजर आएगा।